भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? भैया ए फॉर्म और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद टिकट कटने से असंतोष और बगावत बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच विवाद की कथित खबरें भी चर्चा में बनी हुई हैं, जिसके बाद अब ये सवाल भी उठने लगा कि कांग्रेस के दो दिग्गजों कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच क्या सब कुछ ठीक नहीं है। शायद यही वजह थी कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जब वचन पत्र जारी करने आए तो सबसे पहले विवाद की खबरों पर सफाई देने लगे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों एक साथ मंच पर बैठे थे। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह इस बीच मजाकिया लहजे में एक दूसरे से पेश आए हैं। दरअसल कांग्रेस की पहली सूची में नाम ना देख बागी हो रहे नेताओं कार्यकर्ताओं से कमलनाथ ने कहा, जाओ जाकर दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो। ये वीडियो वायरल होते ही एकदम हड़कंप समझ गया। बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया, लेकिन थोड़ी ही देर में सब अटकलों और सुगबुगाहट की हवा निकल गई, जब भोपाल में कांग्रेस का वचन पत्र जारी करने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों एक साथ मंच पर आए और हंसी ठिठोली की। वायरल वीडियो में कमलनाथ ने कहा कि आपने सबसे पहले मुझसे सवाल किया कि दिग्विजय के कपड़े फाड़ो। कमलनाथ ने जवाब देते हुए कहा था कि अगर आपकी बात नहीं माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़ दो। इस पर दिग्विजय सिंह उन्हें टोकते हैं और कहते हैं कि भैया ए और बी फॉर्म में दस्तखत किसके होते हैं? ये पीसीसी प्रेसिडेंट के होते हैं, तो भैया कपड़े किसके फटने चाहिए? इस संवाद को सुनकर मंच पर बैठे नेता ठहाके लगाते हैं। वही कमलनाथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मेरे और दिग्विजय सिंह के संबंध बहुत पुराने हैं, परिवार और हंसी मजाक है। इसके बाद कमलनाथ कहते हैं कि दिग्विजय सुनते रहो, मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटर्नी दे दी है। वो पावर ऑफ अटर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप गालियां खाएंगे, ये पावर ऑफ अटर्नी आज के दिन भी वैलिड है। कमलनाथ की बातों को सुनकर दिग्विजय सिंह फिर टूटते हैं। दिग्विजय सिंह आगे कहते हैं कि एक मिनट मेरी सुन लीजिए, उन्होंने कहा कि गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। इस पर कमलनाथ कहते हैं कि गलती हो या नहीं हो, लेकिन गाली खानी है। इसके बाद हॉल में मौजूद सभी लोग ठहाके लगाने लगते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है, इनसे हमारा पारिवारिक संबंध है। इस पर दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि शंकर का काम विष पीने का है तो हम विष पिएंगे। इन्होंने मेरे लिए बहुत सारे कड़वे घूंट पिए हैं और आगे भी पीतने पड़ेंगे। हालांकि मंगलवार को पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि जब परिवार बड़ा होता है तो सामूहिक सुख और सामूहिक द्वंद दोनों होते हैं। समझदारी यही कहती है कि बड़े लोग धैर्य पूर्वक समाधान निकालें। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो मन और मेहनत का मेल रखते हैं। नर्मदे हर, इसे उन्होंने एमपी कांग्रेस, आईएनसी कांग्रेस, एमपी बीजेपी, बीजेपी इंडिया और कमलनाथ के सोशल मीडिया अकाउंट को भी टैग किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।